खबर मथुरा से है, जहां अपनी यात्रा के दौरान बवंडर बाबा गोवर्धन पहुंचे, जहां समाज सेवियों द्वारा उनका माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। बवंडर बाबा ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा 21 फरवरी 2021 को प्रारंभ की है। उनकी यात्रा 12 दिसंबर 2023 को 1,00,000 किलोमीटर पूर्ण करने के बाद समाप्त होगी। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की है, देवी देवताओं के छपे चित्र वाली सामग्री को बिल्कुल भी ना ले। कुछ कंपनियां द्वारा माचिस, बीड़ी इत्यादि पर देवी देवताओं के फोटो लगाकर उनका अपमान करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं को नीचा दिखाने की नीयत से ये कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समाचार पत्रों पर उंगली उठाते हुए कहा कि समाचार पत्र की जिंदगी एक दिन की होती है और दूसरे दिन वे समाचार पत्र कचरे में फेंकता हुआ नजर आता है। ये लोग भी अपनी टीआरपी के लिए देवी देवताओं के फोटो को छापते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समाचार पत्र को बिल्कुल न खरीदे। बवंडर बाबा ने कहा कि वे इन कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब देखना ये है क्या बवंडर बाबा की ये पहल देशवासियों पर कुछ अच्छा असर दिखा पाएगी या फिर देवी देवताओं की तस्वीरें यूं ही ऐसी सामग्रियों पर छपी हुई नजर आएंगी। ये इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा आरंभ हुई है 21 फरवरी 2021 को संध्या 6 बजे 5/12/2023 के लिए। 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा है जो आज गोवर्धन में मुझे 20 माह 23 दिन हो गए हैं। यात्रा का प्रथम उद्देश्य सब प्रभु प्रवेश कर रहे मकर संक्रांति 2024 15 जनवरी को अयोध्या जी में, तो समस्त प्रभु प्रेमी आमंत्रित है। यात्रा का प्रथम उपदेश, यात्रा का द्वितीय उपदेश है जब भारत देश के अंदर आप जानते हो अखबार पेपर न्यूज पेपर छपता है, उसमें हिंदू देवी देवता के फोटो छपते हैं और अखबार की एक दिन की जिंदगी होती है, दूसरे दिन अखबार कचरा पेटी में जाता है। वो जरूरत है कि अखबार में भगवान के फोटो की, अखबार में भगवान के फोटो की जरूरत है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, अखबार में हमारे भगवानों का अपमान होता है और भारत देश के चौथे असंवैधानिक स्तंभकार है। उसके बाद में व्यापारियों उन्होंने क्या किया है, ये भारत की सरकार से मेरा ये कहना है, जब आपने इस बीड़ी बनाने वाले को लाइसेंस दिया था तस्लीम आरिफ को, तो आपने ये नहीं देखा था तस्लीम आरिफ बीड़ी बना दिया, कृष्णा गोल्ड फिल्टर बीड़ी पे भगवान का फोटो छाप लिया है। मेरा भारत सरकार से और जनता से कहना है, जनता ये माचिस ना खरीदे, और भारत सरकार ने लाइसेंस दिया तो ये देखा नहीं कि हिंदू धर्म के चित्र इसमें है और ये माचिस है और ये बीड़ी है और ये तस्लीम आरिफ से मेरा कहना है, तुमने बीड़ी का फैक्ट्री खोली, खूब बीड़ी बनाओ बेचो, किंतु इस पे आपने नाम लिखा है कृष्णा गोल्ड फिल्टर बीड़ी और कृष्ण भगवान का फोटो है ठाकुर जी का। अब मेरा इनसे कहना है तस्लीम आरिफ से कि अल्लाह का फोटो छापो, तुम्हारे पिताजी का छापो, हमारे भगवान का क्यों छापा है और सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया है और ये जनता बीड़ी क्यों खरीदती है जिससे हिंदू धर्म का अपमान होता है। तो ये जो भी कुछ मामला है, ये कचरा है, इसको बंद किया जाए।